Hello, assalamu alaikum. Welcome to Reader Online Classes. I am Professor Arshia Sajid here. अच्छा जी, आज जो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर नंबर 15, और इसका नाम है होम्योस्टेसिस. जो होम्योस्टेसिस है, इसका हम लोग अगर हम इसको दो में डिवाइड करें तो हमें मिलते हैं दो लफ्ज़, विच इज़ कॉल्ड होम्यो एंड स्टेसिस. होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स स्टेटिक, मीन्स मेंटेन करना. मीन्स आपने किसी लेवल को मेंटेन करना है या उसको सेम रखना है. अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आएँ तो हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अच्छा, अब इस डेफिनेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. जो लफ्ज फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब होता है चेंज. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है. ऑर्गेनिज़म के बाहर की जो इन्वायरमेंट होगी, जो वो फेस करेगा, वो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी. ठीक है. और जो ऑर्गेनिज़म फेस करेगा, उसके जो अंदर की इन्वायरमेंट होगी, वो उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएगी. ठीक है. अब होता क्या है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ऑर्गेनिज़म जो है वो इस तरह अपने आप को प्रिटेंड करता है या इस तरह कोशिश करता है कि वो चेंज जो है वो कम से कम इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर सके. ठीक है. तो इस डेफिनेशन में हमने बिल्कुल यही कहा है, हमने कहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को आपने महफूज रखना है. किस से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन से. तो इसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस. ठीक है जी. अच्छा, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं. इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आपके बुक के अंदर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है नैरो रेंज. नैरो रेंज का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लेते हैं कि मैं आपको अगर टारगेट दूँ कि भाई मुझे 5 पेजेस ला के दें. ठीक है. और आपके लिए वो मुख्तस 5 पेजेस लाना मुश्किल हो, क्योंकि मैंने आपको एक फ़िक्स टारगेट दे दिया कि मुझे 5 पेजेस ही चाहिए. ठीक है. तो वो मुश्किल होगा. लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसी सिचुएशन दूँ, मैं कहूँ 3 से 6 के दरमियान मुझे पेजेस ला दें, तो आप ईज़िली ले कर आ सकते हैं. ठीक है. क्योंकि अब ये देखिए, मैंने आपको एक रेंज सेट कर दी है 3 से 6 के दरमियान, तो वो आपके लिए ईजी होगा. आप मेरे लिए 4 लेके आ सकते हैं, 5 लेके आ सकते हैं, इवन 6 भी लेके आ सकते हैं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक रेंज बना देते हैं. लेकिन ये रेंज जो है वो बहुत नैरो होनी चाहिए. ठीक है. यानी रेंज में वक्फा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा होना चाहिए. 3 to 5 इनफ है, लेकिन 3 to 15 या 3 to 20 बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हमारे लिए या हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है. तो यहाँ पे आपको मैंने यही बताया हुआ है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक फ़िक्स पॉइंट है हमारे बॉडी टेम्परेचर का, वो मुश्किल होगा मेंटेन करना. लेकिन अगर हम उसे एक रेंज दे दें फ्रॉम 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो उसको मेंटेन करना आसान होगा. तो हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस की एक इम्पॉर्टेंस ये है कि हमने उसको नैरो रेंज जो है वो प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के को कमी जो है उसमें वाकया हो सकती है. ठीक है. तो अगर हम इसका छोटा सा फार्मूला बनाएं, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम बहुत ज़्यादा वाइडर रेंज देते हैं, तो क्या होगा, फ्लक्चुएशन या चेंजेस आने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. और जब इस तरह की चेंजेस आएंगी, तो इंटरनल इन्वायरमेंट के उस ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी. अगर हमने इसी तरह जिस तरह में भी बॉडी टेम्परेचर के लिए, कभी भी बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हर वक्त अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती. ठीक है. तो वो क्या करती है कि अपनी एक छोटी सी रेंज बना लेती है, और वो रेंज क्या है, 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान. तो वो इन दोनों के दरमियान जो है वो फ्लक्चुएट करती है, जिससे क्या होता है कि होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहता है और इंटरनल इन्वायरमेंट भी मेंटेन रहता है. जो इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एट वेरियस लेवल. अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जिसमें हमने सेल पढ़ा, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. अगर हम सेल की सिर्फ बात करें, तो आपको देखा होगा सेल के अंदर हमने हर चीज़ को एक मुख्तस कर दिया, फिक्स नहीं लेकिन उसकी रेंज कर दी है. फॉर एग्जांपल, इन द सेंस कि हमने कहा ग्लूकोज सेल के अंदर इतने परसेंट होना चाहिए, वाटर इतने परसेंट होना चाहिए. तो हर इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना सिर्फ टेम्परेचर के लिए नहीं है, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर पानी भी, ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड, फैट, लिपिड, वो सब आएंगे. तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हर चीज़ जो इंटरनल इन्वायरमेंट बना रही है, उसका हमने एक सेट जो है, स्पेसिफिक सेट मुकर्रर कर दिया
दिया है, जिससे क्या होगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंज आता भी है तो वो अपनी रेंज के अंदर रहकर उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा चेंज कम आएगा और प्रॉब्लम भी उस ऑर्गेनिज्म को कम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आपने एक नैरो रेंज फिक्स कर लेनी है, जो कि आपको छोटी सी पॉसिबिलिटी जो है वो एटलीस्ट बता दे कि आपने यहाँ से यहाँ तक अगर आप चेंज करें भी तो इंटरनल इन्वायरमेंट आपकी डिस्टर्ब ना हो। और सेकेंड वन कि आपने इंटरनल इन्वायरमेंट के स्पेसिफिक सेट बना लेने हैं, जिससे आपको पता चले कि हर चीज़ जो है वो अपनी मिकदार से ज़्यादा ओवरफ्लो ना करे। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये मैनेज किस तरह होगा। यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के इन्वायरमेंट फेस करेगा, एक हॉट और एक कोल्ड इन्वायरमेंट। अब फॉर एग्जांपल कि बाहर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या होगा, वो जाहिर सी बात है वो जो गर्म इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करेगी। वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि अपने अंदर चेंजेस लेकर आएगा, इस तरह के चेंजेस लाएगा कि वो जो बाहर की गर्मी है वो उसको ज़्यादा फ्लक्चुएट या उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएगा और हार्मलेस कर जो है उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग इस टेम्परेचर को कोल्ड की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर दें या बाहर ठंड बहुत है तो क्या होगा, अगेन उस ऑर्गेनिज्म पे इफ़ेक्ट तो होगा लेकिन वो उस इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, और जब वो मिनिमाइज़ कर लेगा तो अगेन वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा और हार्मलेस हो जाएगा। जो चौथा मेन पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कि ये जो होमियोस्टेसिस है ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में भी हेल्प करता है। वो किस तरह करता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, वो सबसे पहले रह रहा है एक हॉट इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है गर्मी है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको पता चल गया बाहर गर्मी है, तो उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो इस तरह अपने आप को चेंज करेगा कि ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा जिसे हम कहेंगे कूलिंग सिस्टम, जिससे क्या होगा कि जो कूलिंग सिस्टम है वो बाहर के गर्म इन्वायरमेंट को कम्पीट कर पाएगा। अब यही ऑर्गेनिज्म जब कोल्ड इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाता है तो अगेन क्या होगा, अब जाहिर सी बात उसे गर्मी नहीं अब ठंड लगना शुरू होगी, तो वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट उसको महसूस करेगा कि भाई बाहर जो है वो जो है ठंड हो गई है, तो वो कौन सा सिस्टम अपने अंदर डेवलप कर लेगा, हीटिंग सिस्टम। अब आप देखिए एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो दो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे इन्वायरमेंट में जाएगा तो वो अपने आप को इवॉल्व करेगा टू कम्पीट न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कंपोनेंट ऑफ होमियोस्टेसिस, यानी होमियोस्टेसिस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत आसान है। होमियोस्टेसिस हम लोग अगर पूरे ऑर्गेनिज्म को देखें तो ना सिर्फ उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसके अलावा उसका वाटर भी मेंटेन होता है, सॉल्ट भी मेंटेन होता है और वेस्ट भी मेंटेन होता है। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल मेंटेन होंगी तो हम कहेंगे कि इसका होमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन हुआ है। अगर टेम्परेचर मेंटेन होता है देन इट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, अगर वाटर और सॉल्यूट मेंटेन होता है देन इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, और अगर वेस्ट, क्योंकि हमारे जिस्म में कॉन्टीन्यूसली वेस्ट भी बनता है और इस वेस्ट को हम नाइट्रोजनस वेस्ट भी कह सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि होमियोस्टेसिस के कंपोनेंट क्या है तो आप लिखेंगे कि हमारे पास तीन कंपोनेंट है, एक है थर्मोरेगुलेशन, एक है ऑस्मोरेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। ठीक है जी, अच्छा अब हम इस होमियोस्टेसिस को मज़ीद थोड़ा डीप देखते हैं। इस डायग्राम को भी छोड़ दें जो मैं अभी फ़िलहाल डायग्राम बना रही हूँ, इसको देखें। अच्छा सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहेंगे इसकी, और जो बाहर है उसको हम कहेंगे ये इसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल चेंज आया है यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, कोई चेंज आया मीन्स बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब यही हॉटनेस जो है वो डिलीवर होगी टुवर्ड्स इंडिविजुअल। ठीक है, ये मीन्स उसका इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा या फ्लक्चुएट करेगा, फिर यही जो है वो चेंज जो है वो डिलीवर होगा टुवर्ड्स द सेल। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास एक ये इन्वायरमेंट है, फिर एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, फिर एक सेल की अपनी इन्वायरमेंट है, तो जब इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट है तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, इन तीनों को नाम दे दिया है।
यहाँ पे आप जब इस डायग्राम पे वापस आएँ, जो हमारे पास बाहर है अगेन हम उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट है जो सेल से बाहर है देन इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और जो सेल के अंदर मौजूद इन्वायरमेंट है इट इज़ कॉल्ड इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अच्छा, अब क्या होता है कि जब बाहर चेंज आता है, हमने क्या किया कि हम अल्लाह ने यूँ समझ लें कि एक सिस्टम बनाया जिसे हम चेक पॉइंट कहते हैं, इस चेक पॉइंट को हमने एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भी लगा दिया है और एक इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भी लगा दिया है। अब होता क्या है कि जब हमारे पास बाहर चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये चेक पॉइंट इस चेंज को रिसीव करते हैं, ठीक है, और इसको मिनिमाइज़ करते हैं जिस हद तक वो कर सकते हैं। फिर ये मिनिमाइज्ड जो है चेंज जो है वो आगे रिसीव होता है सेल की तरफ, और सेल के पास जो चेक पॉइंट है वो इसको फर्दर डिक्रीज़ कर देता है। तो इस तरह ये चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाता है। यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, यहाँ पे एरो पहले बड़ा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एरो डिक्रीज़ हो रहा है। ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक पॉइंट्स मौजूद हैं। ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं कि इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस फ्लक्चुएशन को कम करते जाते हैं। अगर मैं इन चेक पॉइंट्स को प्रॉपर नाम दे दूं तो इन चेक पॉइंट्स का नाम है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर या कि यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है इंट्रास्टिशियल और एक है वेस्कुलर। जो इंट्रास्टिशियल वो ऐसी इन्वायरमेंट है जो टिश्यूज़ के आसपास होगी, और वेस्कुलर जो है वो ऐसी इन्वायरमेंट है जो वेसल्स के अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर कौन से सेल होंगे? रेड ब्लड सेल्स। तो अब इसके बाहर जितनी भी इन्वायरमेंट है वो क्या कहलाएगी? वेस्कुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर को हमने दो में डिवाइड किया है, एक है इंटरस्टिशियल और एक है वेस्कुलर। इंटरस्टिशियल अराउंड द टिश्यूज़ होंगी और वेस्कुलर जो है वो वेसल के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये सेल के बाहर की इन्वायरमेंट है दैट्स वाई हमने इसको एक्स्ट्रा सेलुलर में कैटेगराइज किया है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने आपके बुक में एक एग्जांपल दी हुई है वाटर की। उन्होंने कहा है कि वाटर की दो एक्सट्रीम्स हमने पढ़ी हैं, एक है जी जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए और एक जब पानी बिल्कुल ना हो। तो आपका सेल जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा और किस तरह होमियोस्टेसिस मेंटेन करेगा? पहली कंडीशन देखते हैं, जब आपके पास अबंडेंट सप्लाई है। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास पानी बाहर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपका होमियोस्टेसिस या आपका कंट्रोल सिस्टम या वो चेक पॉइंट्स जिसे हम कंट्रोल सिस्टम कह रहे हैं, वो कभी भी अपने सेल को फ्लडेड कंडीशन में नहीं लेकर आएंगे। वो क्या करेंगे? जब पानी बाहर आगे, जाहिर सी बात है पानी बाहर बहुत ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर आएगा। तो अब सेल क्या करेगा? सेल होमियोस्टेसिस परफॉर्म करेगा उस वाटर को बाहर रिमूव करके। एट द सेम टाइम जब हमारे पास ड्राई कंडीशन है, पानी बाहर अवेलेबल नहीं है, तो बजाय इसके कि आपका सेल डिहाइड्रेट हो जाए, वो क्या करेगा? पानी को स्टोर करना शुरू कर देगा, ठीक है, या अपने सेल के अंदर ऐसा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा जिसमें प्रोडक्ट जो है वो वाटर हो, जिससे वाटर की जो है आप उसको कंजर्व कर सकें और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम है इसी से रिलेटेड, जो मैंने भी आपको पहले बताई है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। इसको यहाँ पे ई से मेंशन कर देते हैं, ठीक है जी। और ये जो है वो सेल का इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जब यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है तो ये जो मैंने आपको चेक पॉइंट्स कहा है, जिनको हमने कंट्रोल सिस्टम कहा है, वो इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और किसी हद तक इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद जब ये फ्लक्चुएशन आगे फर्दर सेल तक जाएगी तो इसका भी अपना चेक पॉइंट है, जिसको गेन हमने नाम क्या दिया है? कंट्रोल सिस्टम नाम दिया है। वो इस फ्लक्चुएशन को मज़ीद कम कर देंगे और इस तरह जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो सेल का मेंटेन रहेगा और बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस जो है वो परफॉर्म। अच्छा, जहाँ पे हम लोग कंट्रोल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इसको मज़ीद थोड़ा डीपली देख लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम क्या है? नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा सिस्टम जो चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? बॉडी के फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल सिस्टम होगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल ब्रेन है, ब्रेन के पास अपने चेक पॉइंट्स हैं जिनको हमने कंट्रोल सिस्टम कहा है, जो ब्रेन की रीडिंग्स, ब्रेन पर आने वाले मैसेजेस, सिग्नल्स, उन सबको जो है वो डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम जो है उन्होंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दो जो है वो टाइप्स बयान किए हैं, एक है फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम और एक है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। जो हमारे पास सबसे पहले फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम को देख लेते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं आयरन की, यानी इस्त्री की। अच्छा, अब ये जो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है सेंसर, एक है थर्मोस्टेट और एक है इफेक्टर। इसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले ये सुन लें
कि सेंसर वो चीज़ है जो किसी भी सिग्नल को रिसीव करेगी. जब सिग्नल रिसीव हो जाता है उसको आगे फर्दर भेजा जाता है एक मेन सिस्टम के पास जो इस सिग्नल को रीड करता है. ठीक है, जब सिग्नल रीड हो जाता है उसके बाद उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है कि आइदर इस चीज़ के लिए अब हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, तो जो चीज़ रिसीव करती है सिग्नल इट इज़ कॉल्ड सेंसर. जो चीज़ अब ये देखती है कि इस सिग्नल के अंदर क्या है या उस सिग्नल को पढ़ती है इट इज़ कॉल्ड थर्मोस्टेट. और उसके बाद आपने क्या एक्शन लेना है या क्या रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो इफेक्टर के जिम्मे काम लगाया गया है. अब यहाँ पे इसी तरह हमने फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को तीन हिस्सों में डिवाइड किया. सेंसर जो कि चेंज यानी सिग्नल को मॉनिटर करेगी और फॉरवर्ड कर देगी टुवर्ड्स द थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट क्या करेगा, इस सिग्नल को रीड करेगा और इसके खिलाफ एक्शन लेगा. अब एक्शन लेने के लिए हमने एक स्पेशल जो है वो एक यूँ समझ लें एक बंदा हायर किया जिसका नाम है इफेक्टर. और इफेक्टर के लिए दो काम हो या इफेक्टर दो तरह से काम जो है वो करेगा, या उस रिस्पॉन्स के खिलाफ जाएगा या उस रिस्पॉन्स को मजीद बढ़ा देगा. स्विच ऑन हो जाएगा या स्विच ऑफ हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने इस्त्री ऑन की है सेंसर को पता चल गया कि भाई अब इस्त्री का काम है गर्म होना, वो सिग्नल भेज देता है आगे टुवर्ड्स द थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट क्या करता है, उस सिग्नल को रीड करता है कि भाई अब इस बंदे ने कपड़े इस्त्री करने हैं तो अब हमें अपना जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करना है. एक सर्टेन लेवल तक जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है. उसके बाद इफेक्टर क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है इफेक्टर अगेन से स्विच ऑन कर देता है. अक्सर आपने देखा होगा जब आप कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं एकदम कभी बल्ब ऑन होता है कभी बल्ब ऑफ हो जाता है. तो जब बल्ब ऑन होता है इसका मतलब है कि टेम्परेचर गिर गया था, अब हम इंक्रीज करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन इफेक्टर ने स्विच ऑन कर दिया है. ठीक है, इसी तरह जब एकदम बल्ब स्विच ऑफ हो जाता है बंद हो जाता है इसका मतलब है कि एक सर्टेन लेवल तक जितना आपको टेम्परेचर चाहिए था इस्त्री करने के लिए कपड़े वो आपको मिल गया. ठीक है, तो इट्स मीन वो स्विच ऑफ हो गया और ये काम किसने किया है, इफेक्टर ने किया. ठीक है, तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, सेंसर जो सिग्नल डिटेक्ट करता है, थर्मोस्टेट जो कि एक्शन लेता है, और इफेक्टर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्विच ऑन करे या स्विच ऑफ करे. ठीक है जी, या सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है. जो हमारे पास सेकंड है जिसे हम लिविंग कंट्रोल सिस्टम यानी जो हमारे अंदर पाया जाता है उसका नाम है लिविंग कंट्रोल सिस्टम. इसमें भी अगेन हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, सेंसर CNS एंड इफेक्टर में. सेंसर का यानी जो सेंस कर रहा है, जो सिग्नल जो है वो रिसीव कर रहा है, इसी का नाम सेंसर को अगर हम प्रॉपर टर्म दें तो हम इसे रिसेप्टर कह भी सकते हैं. रिसेप्टर जो कि हमारे स्किन में मौजूद होते हैं. CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि आपके पास आपका दिमाग है वो इस सिग्नल को पढ़ेगा और इफेक्टर के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. इसकी एग्जांपल ये इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बाहर बहुत कम हो गया या ठंड हो गई है, आपकी स्किन जो है उसके पास क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद हैं, वो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं कि भाई बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया है, और ये सिग्नल कहाँ मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द ब्रेन यानी आपके CNS के पास. ब्रेन क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे और इफेक्टर के पास जो है वो इसका फर्दर जो है वो इसको भेज देंगे. इफेक्टर क्या करेंगे, इफेक्टर जो है वो आपके मसल्स भी हो सकते हैं, वो आपके ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है वो आपके इफेक्टर कहलाएंगे. यहाँ पे फिलहाल अभी मसल को रीड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इफेक्टर हैं वो मसल्स हैं, और मसल्स क्या करेंगे, एकदम शिवरिंग स्टार्ट कर देंगे. शिवरिंग मीन कांपना शुरू हो जाएंगे. अच्छा, अब शिवरिंग से क्या होता है कि चूंकि एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होगी तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी. तो आप जब अपनी बॉडी वार्म अप कर लेंगे तो आप इस ठंडे इन्वायरमेंट से कम्पीट कर सकते हैं. इसी तरह जब बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी अगेन आपके स्किन के रिसेप्टर फील करेंगे कि भाई बाहर गर्मी बहुत हो गई है, और सिग्नल जो है वो आप कहाँ भेजेंगे, टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन आगे भेजेगा फर्दर मैसेज टुवर्ड्स द इफेक्टर. इफेक्टर क्या करेंगे, इफेक्टर पे यहाँ पे हमने जो है लोकेशन चेंज कर दिया जो कि अब हमारे ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स क्या करेंगे, स्वेटिंग जो है वो शुरू कर देंगे. और आपको पता है कि जब स्वेटिंग होती है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो अब कूलिंग इफेक्ट क्या करेगा, इस हॉट टेम्परेचर से कम्पीट कर पाएगा. ठीक है जी, अब इसी कंट्रोल सिस्टम को हमने आगे फर्दर रीड आउट करना है थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म. इस फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले आपने अक्सर टीवी में सुना होगा कि हमारे पास जब टीवी में जो चैनल्स होते हैं वहाँ पे
प्रोग्राम्स जब लगते हैं तो वहाँ पे जो होस्ट होती है वो लास्ट में जरूर कहती है कि आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। अगर तो आपको उस प्रोग्राम का कंटेंट अच्छा लगा देन आप उसे कहेंगे जी ये पॉजिटिव फीडबैक आपने दी। अगर आपको उसका कंटेंट अच्छा नहीं लगा, आपको इंटरटेनिंग प्रोग्राम नहीं लगा, इसका मतलब है कि आपका उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक है। इसी तरह ही हमारे जिस्म में है फीडबैक चलते हैं, और फीडबैक ये दो टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव फीडबैक और एक है नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक की सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने सबसे पहले चेंज को डिटेक्ट करना है कि बाहर चेंज क्या आ रहा है, ठीक है। फिर उसके सिग्नल बना के आपने आगे ब्रेन एंड देन टुवर्ड्स द इफेक्टर भेजने हैं। वो इफेक्टर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। जब आप जो हैं सिग्नल रिसीव कर रहे हैं और अगर आपने उस सिग्नल के उल्ट काम किया है तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे सिग्नल मिला है कि भाई बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जब मेरे दिमाग तक ये सिग्नल जाएगा तो मेरा दिमाग क्या करेगा, इफेक्टर को कहेगा कि भाई इसका टेम्परेचर जो है वो कम किया जाए क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है, ठीक है। अब आपको बाहर सिग्नल मिला है टेम्परेचर ज़्यादा होने का, लेकिन आप काम उल्ट कर रहे हैं इसके। मींस जो सिग्नल आपको मिला है और जो इफेक्टर काम कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिग्नल में आपको क्या रिसीव हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा है, और इफेक्टर क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बॉडी का कम करना है। तो ये जब आपस में ऑपोजिट फीडबैक होंगे या ऑपोजिट एक दूसरे काम करेंगे देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। इसी तरह पॉजिटिव इसके उल्ट होगा कि जो हमें सिग्नल मिल रहा है उसी सिग्नल के लिहाज से हमने रिस्पॉन्स भी जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी जगह कट लगता है तो वहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाए, तो आप इन रिस्पॉन्स इफेक्टर क्या करेंगे, प्लेटलेट्स को बढ़ाएंगे ताकि वहाँ पर जाकर जाल बिछाया जाए और वहाँ से ब्लड क्लॉटिंग की जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। इसी तरह चाइल्ड बर्थ के दौरान जब ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है वो रिलीज़ किया जाता है ताकि चाइल्ड बर्थ को सक्सेसफुली डिलीवर किया जाए, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिग्नल भेजा जाता है कि उसको इंक्रीज़ किया जाए, और आप इन रिस्पॉन्स उसको इंक्रीज़ करते भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए सबसे पहले आप मेरा लेक्चर रीड आउट करेंगे, अच्छे से पॉइंट्स लिखें, एंड देन फिर जो है वो आप लोग ने बुक से रीड करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ओके जी, अल्लाह।